स्टार्ट फ्रॉम द इक्विवेलेंस रिलेशन। सबसे पहले अपन देते हैं, कोई भी दो सेट लेते हैं, मान के चलिए सेट ए इक्वल टू ए बी सी और सेट बी ले लेते हैं। यहाँ पर देखें तो 1, 2 और 3। सबसे पहले ए क्रॉस बी का प्रोडक्ट निकालते हैं। ए क्रॉस बी अपने पास क्या हो सकता है, ताकि बात करें तो यहाँ पर ए के साथ ए वन के ए 1, ए 2, ए 3। यहाँ पे देखें तो B1, B2, B3 और लास्ट वाले में C1, C2 और C3। ये इसका A क्रॉस B हुआ। जो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, हम इसी के ऊपर इसको प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले देखें, यहाँ पर अपने पास हालांकि सेट ए लिया है और अपने सेट बी लिया है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ। ठीक है, लेकिन अब अपन सिर्फ सेट ए का लेते हैं। यहाँ पर देखें अपने पास ए क्रॉस ए की वैल्यू निकालें। ए क्रॉस ए की वैल्यू यहाँ पर देखें तो ए ए होगा, ए ए से रिलेटेड, ए बी ए सी, फिर देखें तो बी ए ये जगह बी बी और ये बी सी, थर्ड वन ले में सी ए, यहाँ पे देखें तो सी बी और सी सी। अब जो इक्विवेलेंस रिलेशन है वो कोई भी सेट के ऊपर ही डिफाइन होता है। तो सबसे पहले तीन कंडीशन रहती हैं। यहाँ पे देखें अपने पास रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में कौन कौन सी कंडीशन होती है। रिफ्लेक्सिव में जो एलिमेंट है वो खुद से ही रिलेटेड होता है। खुद से रिलेटेड की कंडीशन देखे तो अपने पास हो सकता है ए ए से रिलेटेड होना चाहिए, बी बी से रिलेटेड होना चाहिए और सी सी से रिलेटेड होना चाहिए। मतलब जो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, यहाँ पर देखे अपने पास ए ए से रिलेटेड हो, बी बी से रिलेटेड हो और थर्ड कंडीशन सी सी से रिलेटेड हो। फिर बात आती है, रिफ्लेक्सिव हुआ, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की क्या कंडीशन होती है। सिमेट्रिक में अगर अपन कंसीडर करके चलें कि कोई भी रिलेशन में ए बी से रिलेटेड है, मतलब ए रिलेटेड टू बी, ये डिफाइंड कंडीशन है, तो उसका रिवर्स होना कंपलसरी होता है। मतलब बी ए से रिलेटेड होना कंपलसरी है, ये बी ए होना उसमें ज़रूरी है। अगर बाई चांस यहाँ पे अपने पास बी सी ले लेते हैं, तो ये बी कॉमा सी, तो सी मतलब बी सी से रिलेटेड है, तो सी बी बी से रिलेटेड होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा अपने पास, यहाँ पे देखें अपने पास सी कॉमा बी बी होना चाहिए और थर्ड कंडीशन अपन मान के चले कि ए रिलेटेड है सी से, ए रिलेटेड है सी से, तो सी भी कंपलसरी है, रिलेटेड होना चाहिए ए से। फिर थर्ड कंडीशन आती है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की बात करें, अगर कोई भी मान के चले कि ए बी से रिलेटेड है, ए रिलेटेड टू बी और यहाँ पे देखें अपने पास बी रिलेटेड है सी से, ठीक है, ये वाली कंडीशन लेते हैं। यहाँ पे अपने पास बी रिलेटेड है सी से, तो इसका जो रिजल्टेंट है, मतलब ए रिलेटेड है बी से, बी रिलेटेड है सी से, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखें तो ए मस्ट बी रिलेटेड टू सी, मतलब ए भी सी से जुड़ा हुआ होना चाहिए, तो ही ये ट्रांजिटिव होगा। अदरवाइज ये ट्रांजिटिव जो भी रिलेशन होगा वो नहीं होगा। अगर ये तीनों कंडीशन कोई भी रिलेशन सेटिस्फाई करता है, कोई भी संबंध ये तीनों कंडीशन, मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो वो उस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। ठीक है।